जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का सुमेध एंड वृंदा क्रिएशंस में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताऊंगी धनतेरस की सरल पूजा विधि एवं कथाएं। तो ये हमने रखा है कलश, ये धन्वंतरी देव का प्रतीक है। इस कलश में जल भरकर ऊपर हमने रखे हैं चावल और उसके ऊपर जलाया है एक दीपक। ये देखिए, इस तरह हमने पांच पल्लव लगाए हैं। आप आम के या अशोका के पत्ते लगा सकते हैं। और इस कलश में जल भरकर इसमें हमने डाली हैं बहुत सारी औषधियाँ, जैसे लौंग, इलायची, सिक्का, हल्दी, जितने भी घर पर मसाले होते हैं जो औषधि के रूप में इस्तेमाल होते हैं उसे आप इसमें डाल सकते हैं। और धन्वंतरी देव को हम भोग लगाते हैं साबुत धनिए का और साबुत हरी मूंग का। धन्वंतरी देव हमारे वैद्य हैं, इसलिए सारा साल निरोग रहने के लिए, लंबी आयु के लिए हमें धनतेरस पर धन्वंतरी देव का पूजन अवश्य करना चाहिए। इस दिन चांदी, सोना या कोई भी धातु आप खरीद सकते हैं। हमने लिया है चांदी का सिक्का। तो इस तरह हमने किया है धनतेरस का पूजन। यह धन्वंतरी देव है, हाथ में औषधि और कलश लिए ये विराजमान है, जो इस दिन धनतेरस के दिन धन्वंतरी देव का विधि विधान से पूजन करता है उसे अकाल मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ता। इस दिन झाड़ू खरीदने का भी विशेष महत्व है। झाड़ू माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है, झाड़ू की भी पूजा करके उसे रखना चाहिए। एक लोक कथा के अनुसार एक बार विष्णु जी और लक्ष्मी जी भ्रमण के लिए निकले, तब लक्ष्मी जी ने एक गन्ने का खेत देखा और गन्ना चूसने लगी। तभी विष्णु जी ने यह देखा और उन्हें क्रोध आ गया कि बिना पूछे आप गन्ना कैसे ले सकती हैं। इसलिए उन्होंने माता लक्ष्मी को श्राप दिया कि 12 साल तक आपको इसी किसान के पास सेवा करनी पड़ेगी। तब माता लक्ष्मी विष्णु जी की आज्ञा से सेवा करने लगी। 12 साल के बाद जब विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए, तब किसान ने उन्हें जाने नहीं दिया। तब विष्णु जी ने किसान से कहा कि तुम धनतेरस के दिन विधि विधान से लक्ष्मी माता की पूजा करना, तब लक्ष्मी माता तुम्हारे घर जरूर प्रकट होंगी। तभी से धनतेरस के दिन लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। इस दिन 13 दिए जलाने का विशेष महत्व होता है। तो इस दिन जलाए जाते हैं 13 दिए। इस तरह से हमें विधि विधान से दीप दान करना चाहिए। तो इस तरह मनाई हमने धनतेरस। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।